अभियान संगठन के प्रभारी माननीय श्याम जी, चीफ गेस्ट आज के रमेश जुनेजा जी, आदर्श सीहरी सत्संग समिति श्री मनोज अरोड़ा जी अध्यक्ष, श्री मुरारी लाल अग्रवाल जी कार्याध्यक्ष, बसंत बंसल जी, अमन सरीन जी, सुनील गोयल जी, प्रदीप अग्रवाल जी, विवेक नागपाल जी, श्री राजीव जुनेजा, अगर किसका नाम रहेगा तो, और पहले एक डिस्क्लेमर बोल देता हूँ, अगर हिंदी में गलती हो गई तो माफी चाहता हूँ। ऐसे सी दिल्ली में आने के बाद थोड़ी हिंदी बोलने की आदत हो गई है, लेकिन आज यहाँ आ गया, मन चाह रहा था कि भजन ज्यादा सुनो, और अनुज जी का आप भी सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहेंगे, इसलिए उनके और आपके बीच में ज्यादा देर रहना नहीं चाहता हूँ। लेकिन सामने आ गया तो केदारनाथ जी का नाम देगा, केदारनाथ सानी जी हमारे गोवा में भी गवर्नर रहे हैं। जब कांग्रेस का शासन आ गया तो उनको उठा के पहले फेंक दिया, बाद में मुझे फेंक दिया, मतलब गवर्नर चेंज करके गोवा का सरकार गिराने का काम उस समय हुआ था। लेकिन अरोड़ा जी, आप नसीब वाले, आपको और चीफ मिनिस्टर मिला। वो भी IIT से है, लेकिन ऑड है, क्योंकि ऑड इवन फॉर्मूला करके आपकी एक समस्या उन्होंने कम कर दी। ये तो संख्या, ये स्थान संख्या के लिए पूरा नहीं होता। एकल कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस प्रकार का काम हो रहा है, वो मुझे लगता है एक पूरे देश में एक देशभक्ति, स्वाभिमान और देश के रक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक ऐसा कार्य हो रहा है। आपने बताया कि देश की रक्षा करने में आदिवासी बंधुओं का क्या स्थान है, और आज भी देखिए कि 30 करोड़ जो आदिवासी हमारे बंधु है वो कहाँ रहते हैं, वो पूरे बॉर्डर एरियाज में ज्यादा करके उनका रहने का स्थान है, और जहां जहां उनमें गलत मैसेज गया है वहां वहां देश के लिए, सुरक्षा के लिए एक धोखा पैदा हुआ है, और इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो आप कर रहे हैं, और हम लोग इसमें, मैं भी हमारे यहाँ से अलग अलग इसमें से सहयोगी हूँ, हम लोग केवल उसका समर्थन कर रहे हैं। एक मतलब हम सब लोगों को समझना चाहिए कि कार्य करने वाले कार्यकर्ता जो है उनका काम हमसे कई बार कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Execution is a very important aspect of any performance. Making a statement is very easy. मुझे कभी कभी, मैं पठानकोट का देखता हूँ, मैं 2-3 दिन पहले गया था, आज प्रधानमंत्री जी भी वहाँ होके आए, जो हमारे सैनिकों ने, एनएसजी कमांडर्स रहे या आर्मी के और स्पेशल यूनिट से एयरफोर्स के गरुड़ा रहे, जिस प्रकार से एक हमारे एनिमी एडवर्सरी भी रहे तो भी कभी कभी आप शत्रु की ताकत समझना चाहिए। हमारे जो शत्रु थे वो जान हथेली पे लेके आए, दे वेर सुइसाइड किलर्स, दे हैड ऑल, उन्होंने अपनी जान पहले ही कुर्बान कर दी थी, और जो जान पे कुर्बान होता है वो क्या कर सकता है, इसके बारे में मैं कहने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे सैन्य बल, एनर्जी कमांडो
जिस प्रकार से मैं खुद जाके आया, कितना डिफिकल्ट एरिया है, एक दूसरे से टच करते हुए, चाल जैसे स्ट्रक्चर से झाड़ है और बड़ा एलिफेंट ग्रास जिसको बोलते हैं उसका भी उधर, ये वहाँ उनको केवल एक छोटे एरिया में कन्फाइन करके रखा और फाइनली मार गिरा है। वो एक उनको कॉन्ग्रेचुलेशन और उनकी बहादुरी का एक बोलना बहुत इजी होता है। इसके लिए मैं टीवी, मुझे कई बार बोल रहे थे आप जरा स्टेटमेंट दे दो, आप स्टेटमेंट दे दो। मैं स्टेटमेंट नहीं दिया क्योंकि स्टेटमेंट करना बहुत इजी है। वो वहाँ जो लड़े देश के लिए उनका कार्य बताना काफ़ी डिफिकल्ट है। और एनालिसिस करने वाले एक पेज में या दो, एक घंटा या दो घंटे में वो लिखेंगे अपनी एनालिसिस, लेकिन जो लोगों ने वहाँ अपनी जान कुर्बान की उसके बारे में हम लिखना कितना भी करें कम हो जाए। और मुझे लगता है कई बार इस देश के रक्षा में हमारे ट्राइबल इनका काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। अभी हम लोग भी आर्थिक सहायता और अन्य सहायता से ये प्रोग्राम आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। 45,000 गांव में आप लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया है। एक चीज़ हमें समझनी चाहिए, भले हमारे ट्राइबल गरीब हो, इलिटरेट हो, लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि रेमर है एजुकेटेड। हम लोगों को लगता है कि पढ़ाई लिखना लिखने के लिखने लिखने में ही एजुकेशन है, और उसमें से वाइज देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। वन इज गिविंग लिटरेसी, मैं बीच में थोड़ी अंग्रेजी का इस्तेमाल करता हूँ, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स। देन फ्रॉम लिटरेसी द रियल एजुकेशन मेक्स यू एजुकेटेड, where you understand and get knowledge. And there are few people who are wise people. Education only makes them into something like diamond. वहाँ हमारे अनकट डायमंड्स काफ़ी रहेंगे, लेकिन वो कम नहीं है। मुझे एक कहानी याद आती है, एक बड़ा तेज कंसल्टेंट, आजकल कंसल्टेंट बहुत आते रहते हैं, तेज कंसल्टेंट एक बार उसने छुट्टी ली और गांव के तरफ गया। हम लोग को लगता है कि गांव में लोग अनएजुकेटेड रहते, और ये मुझे कहानी इसलिए याद आती है कि एक दो बरस पहले मैंने एक अमेरिकन मैगजीन में पढ़ा कि अमेरिका में चिंता करने लायक स्थिति है, क्योंकि बच्चों को पूछा अंडा कहाँ से आता है, सबने 97% बॉयज रिप्लाइड फ्रॉम सुपर स्टोर। मुझे चिंता हो गई, मैं गोवा में मुख्यमंत्री था तो मैं स्कूल में जाता था, उस समय बच्चों को पूछता था अंडा कहाँ से आता है, 100% बॉयज इन इंडिया रिप्लाई डेट मुर्गी देती है, मुर्गी देती है। तो थोड़ा समाधान लगा कि हमारा एजुकेशन अभी तक जगह के। लेकिन ये कंसल्टेंट गांव चला गया तो उसको एक जगह शेफर्ड मेंढीपाल जो कहे मेंढपाल क्या बोलते बेचार दरिया वो मिल गया। कई बकरियां थी तो उसको उसकी मजाक करने की या थोड़ा उसको टू पोक फन एट हिम, उसको लगा कि इसको कुछ मैं पूछूं, तो वो खड़ा हो गया, गाड़ी पार्क कर दी और बाजू में जाके हो रहा कि अगर तुम्हारी ये कितनी बकरियां हैं ये गिने बिना अगर मैं आपको बोल दूं कितनी हैं तो तुम मुझे क्या दे दोगे। तो बकरिया वाला बोला कि मैं क्या दे दूंगा, एक बकरी दे दूंगा, उससे मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं। तो इसने इमीडिएटली अपना कंप्यूटर लैपटॉप निकाला, सैटेलाइट कनेक्टिविटी की प्रोग्राम निकाला, ऊपर से सैटेलाइट फोटोग्राफी की और सैटेलाइट फोटोग्राफी से कैलकुलेट करके बताया कि 456। तो मिनपाल बोला कि उसको
बकरिया, क्या नाम बोलता नए नए शब्द सीख रहा हूँ। गडेरिया बोला कि बराबर है, तो इसने एक उठा के अपने गाड़ी में डाल दी और जाने लगा। इतने में वो गडेरिया उसको बोला, रुको रुको, आपने तो हमसे जीत लिया लेकिन वापिस लाने का भी मुझे चांस चाहिए। तो बोला ठीक है, मैं तुमको चांस दे देता हूँ। और वो कंसल्टेंट उसको पूछा, देखो तुम बताओ मेरा प्रोफेशन क्या है, बिजनेस क्या है। तो इसने बोल दिया कि यू आर अ कंसल्टेंट। इसको एकदम शॉक लग गया, एक गांव का एक गवार लड़का अपना प्रोफेशन बराबर जानता है। तो बोला तुमको कैसा पता? बोला सीधा चीज है, आपको मैंने बुलाया नहीं था। दूसरा, जो चीज फोकट में होती थी आपने लाखों रुपया खर्चा कर दिया। और तीसरा, मेरा जो कुत्ता आपने गाड़ी में डाला है उसको वापिस दिया। हमें कई बार लगता है कि गांव वाला आदमी गवार, मतलब लिखा पढ़ा नहीं होगा लेकिन उसका इंटेलिजेंस आईक्यू काफी हाई हो सकता है। और इसमें ये डेडिकेशन हो सकती है कि जिससे एकलव्य, जिससे एकल नाम आया है, वो एकलव्य भी हो सकते हैं जो अर्जुन से भी आगे निकल जाते हैं। और इंडियन ट्राइबल पॉपुलेशन इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग दिस काइंड ऑफ एक्सलेंस, और इसमें हमारा रोल काफी रहेगा। मुझे लगता है कि गांव-गांव ये जो कार्यक्रम हम लेके जा रहे हैं, ये कार्यक्रम अत्यंत महत्व का कार्यक्रम है। हम लोग अगर उसको पूरा समर्थन दे दें, और मैं इधर इसलिए आया कि अगर आपके आप में से किसी ने अगर डिसाइड किया होगा कि मैं 4,000 रुपया दे के एक गांव में एक का 4,000 रुपया है ना संरक्षक बन जाऊंगा, तो मैं आने के लिए मुझे लगता है कि वो एक का 2 हो जाए। तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। मैं इसलिए जानबूझ के आया, ऐसा थोड़ा मुझे भी एक वजन सुनने की इच्छा थी मुझे, लेकिन जानबूझ के आया कि कार्यक्रम में अगर हम लोग सब कुछ करें तो जल्दी खत्म करना चाहिए। पीछे आके खड़ी हो गई। हमारे पास एक हमारे एक एमपी हुआ करते थे जिनको हम पीछे ऐसा पकड़ के खींचते, एक बार चालू हो गया कि रुकते नहीं। ऐसे हमारे एक डायरेक्टर एजुकेशन थे, मैं जब स्कूल में था तो एक बार उनको चीफ गेस्ट करके बुलाया, वो भाषण करते गए। मेरा स्कूल में नंबर पहले 2-3 में रहता था लेकिन मैं बैठने के लिए ऑलवेज पीछे बैठता था, क्योंकि आगे बैठ गया तो कुछ नहीं कर सकते, टीचर की आँख आपके ऊपर रहती है। और ऐसा तो आई वॉज क्वाइट नॉटी, सो पीछे रह के कुछ मैं पीछे बैठ गया था। इनका भाषण 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट 45 मिनट खत्म ही नहीं हो रहा है, तो हम लोगों ने एक आइडिया निकाली पीछे से, हम लोगों ने ताली। और जिंदगी में से सबसे बड़ी गलती की, उनको लगा तालियां बजा रहा है तो मैं अच्छा भाषण कर रहा हूं, जो खत्म करने वाले थे उन्होंने वापिस चालू कर दिया और 15 मिनट नहीं लगा है। इट वॉज टू लेट, ही ऑलरेडी कंटिन्यूड फॉर 1.5 आवर। तो तालियों का 2 मीनिंग हो सकते हैं, तालियां अच्छे भाषण के लिए भी हो सकती है और बुरे भाषण के लिए भी हो सकती है। मैं और ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, यहाँ आके इन
गो आई एम अ गुड स्टोरी टेलर। असेंबली में भी मेरा भाषण सुनने के लिए सब बैठे रहते थे, अलग अलग समय अलग अलग भाषण। नहीं, मुझे लगता है मेरे भाषण से ज्यादा अनूप जी का भजन ज्यादा रस वाला है, तो उनको सुनने के लिए हम लोग जाएंगे। लेकिन एक चीज बोलता हूँ, ये सरकार जो है इस दिशा में भी काफी अच्छा काम कर रही है, और थोड़ा अगर पेशेंट को तो वी हैव गॉट अ प्राइम मिनिस्टर हु हैज अ विजन। एक कई बार हम लोग बहुत इम्पेशेंट हो गए, मैं भी अभी कोशिश कर रहा हूँ, एक बरस 14 महीने हो गए, काफी कोशिश करने के बाद थोड़े एरियाज में सक्सेस मिल रहा है, थोड़े एरियाज में सक्सेस की तरफ जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है कि जो आदतें बरसों की हो जाती है वो आदतें ऐसी नहीं निकलती है। और मैं एक बार CII मीटिंग में गया था वेस्टर्न जोन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा इन 2002, उस समय जो अध्यक्ष थे बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने मेरी बारे में कहते कहते कहा कि ही इज लाइक अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ गोवा, नॉट अ चीफ मिनिस्टर। मुझे भाषण लास्ट, ये भाषण पहले और लास्ट करने में कभी कई बार तकलीफें होती है। वो भाषण आप शुरू में करेंगे तो आपके पास क्या बोलने का इसका कुछ अंदाजा ही नहीं होता है। मुझे अभी शुरू में मैंने देखा था मेरा नाम तीसरा था, मेरे को शुरू में डाल दिया तो क्या बोलूँ, ये सवाल हो जाता है। लास्ट में बोलने जाए तो और एक सवाल हो जाता है, जो आप भाषण करने वाले हैं वो पहले वाले सब बोल तो करते हैं। और पॉलिटिक्स में तो जब गांव में जाता हूँ तो एक गांव से दूसरा गांव, दूसरा गांव से तीसरा गांव, एक दिन में कितने 50% करेंगे। और मैंने ऐसे कार्यकर्ता देखे हैं और फैन सर्कल भी देखे हैं कि जो आप जैसे जाते हैं वैसे आपके पीछे निकल जाते हैं, और आप दूसरे जगह भाषण पे गए तो उधर भी सामने आके बैठ जाते हैं, और आप जो बोलने लगे तो पहले हंसने शुरू करते हैं। ये तो सबसे डेंजरस चीज है। लेकिन जब मैं ये सब बारे में देखता हूँ तो ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी चीज होती है कि जिसको आप जैसे शेप करें वैसे आ जाते हैं। पानी पिलाने के लिए बॉटल लेके मेरे पास है, मैं देख रहा था बॉटल पूरी है, खाली है कि भरी हुई है, कुछ समझता नहीं था, क्योंकि पानी को रंग नहीं होता। इट्स कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस, शेपलेस, साइंस के पहले क्लास में ये सिखाया होता है। ब्यूरोक्रेसी ऐसी होती है। आप कोई ब्यूरोक्रेट होंगे, मैं थोड़ा लाइटर इसमें ले लो, सीरियसली मत ले लो, लेकिन उसमें आप अगर कड़वी दवा डाल देंगे तो कड़वी लगती है, मीठा शरबत डाल दोगे तो मीठा लगता है। लेकिन कई बार पहले वाले लोगों ने अगर उसमें कड़वा डाल दिया होगा तो मीठा करने में काफी फिल्टर करना होगा। तो मुझे बोल रहे थे कि आई सीओ जैसे, मैं उनको बोला मैं सीईओ नहीं हूँ, सीएम का पद उससे भी डिफिकल्ट है, क्योंकि सीईओ होते हैं तो आपके साथी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप चुनते हैं, और सबॉर्डिनेट किसको लेना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। हमारे बारे में हमारे साथी सब लोगों ने चुने हुए हैं और सबॉर्डिनेट पिछले सरकार ने रखे हुए हैं, तो ये ब्यूरोक्रेसी का जो ये होता है वो थोड़ा बदलने में थोड़ा टाइम लगता है। ब्यूरोक्रेट्स कैसे कैसे होते हैं इसकी एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ, थोड़े लोगों ने सुनी होगी। लेकिन एक गांव में एक जू था, प्राणी संग्रहालय, तो वहां तो उन्होंने यूट्यूब पे या कहा तो मेरे भाषण से सुनी होगी, वहां दो लायन सिंह वो जू में थे, वो दो लायन के बारे में, सिंह के बारे में दो अलग अलग उत्पत्ति का ये था। एक को जंगल से पकड़ के लाया, वाइल्ड लायन ब्रॉट फ्रॉम द जंगल एंड पुट इन द केज, दूसरा था उसका जन्म जू में हुआ था, तो उसने कभी जंगल देखा नहीं था, तो उसको भी वहां, और वो अंदर दोनों की जब बात होती थी तब वाइल्ड लायन
जंगल से लाया हुआ लाल लायन, वो गांव मतलब जू में जिसका जन्म हुआ था उसको हर बार उसको नीचे दिखाता था, बोलता था तुम क्या लाए हो, मैं तो जंगल से, मैंने सब देखा है और जंगल का राजा हूँ, तुम तो यहाँ केज के राजा हो। एक दिन गलती से वो जू का दरवाजा खुला रहता है, दोनों बाहर निकलते हैं। जंगल वाला बोलता है मैं जंगल में भाग जाता हूँ, मुझे अभी नहीं पकड़ सकेंगे इस बार। आप पीछे गए तो जंगल में भाग गया, अभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। और ये गांव वाला था वो जंगल में जाने के लिए डर गया। सी भी लायन भी लायन ऑल्सो कैन बी स्कैर्ड ऑफ जंगल, दैट मीन सर्कमस्टेंसेस कैन मेक अ वेरी ब्रेव पर्सन ऑल्सो पावर और वाइस वर्सा। और ये गांव के तरफ चला गया, वो जंगल में जो गया था उसको 3 दिन में पकड़ के अंदर डाल दिया। दूसरे दिन गांव में गया वो मिला नहीं, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, 8 महीने के बाद में उसको पकड़ के लाया। तब तक ये जंगल वाला जो अंदर डाल दिया था उसके मन में इसके प्रति बड़ा भाव इंप्रूव हो गया। मैं 3 दिन में पकड़ा गया, ये 8 महीना लग गया। उसको आने के बाद उसको सैल्यूट दिया और उसको बोला कि अरे तुम ग्रेट हो, तुझसे जैसा ग्रेट देखा ही नहीं, तो कैसे मैनेज किया 8 महीने। और वो भी शहर में, और कुछ नहीं किया, मैं शहर में चला गया, एक बड़ा बिल्डिंग सामने दिखाई दिया, उसके ऊपर लिखा था सचिवालय, मैं दिल्ली सचिवालय में बोला सचिवालय लिखा था, मैं घुस गया, चौथे माले में राइट साइड में बड़ा फाइलों का ढीक लगा था, उसके पीछे छुप गया 8 महीने, कोई भी नहीं। तो खाता क्या था, फाइल तो खा नहीं सकते। देख सीधा है, डेली 2 दिन 2 3 दिन में एक आदमी को गवर्नमेंट सर्वेंट को पकड़ के खाता था। लोगों में वो मिस नहीं करता था, क्योंकि दूसरा कोई तो उसके जगह, इतने लोग थे 30 40 हजार, तो कहाँ एक मिस हो जाएगा। पकड़ा कैसा गया, गलती की बोला। एक दिन थोड़ा टेंडर मीट खाने की इच्छा हो गई और वो चाय वाला जो था उसको पकड़ा, उसको खाया। दोपहर को 3 बजे जब चाय नहीं आई तब बम्बा बोम चालू हो गई और पकड़ा। कोई हीरो का एडर तो मुझे माफ कर दो, डोंट टेक इट टू सीरियसली। नाउडेज द फाइल्स हैव स्टार्टेड मूविंग, काम होने लगा है थोड़ा बहुत, मुझे अपेक्षा है कि वो आगे बढ़ेगा और आपके काम में जो मेरी मदद हो सके, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो मदद हो सके मुझे बताइए, मेरे को।